एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरती और आज की जो वीडियो है दिस इज़ ऑन स्विचवर्ड्स रिगार्डिंग कंपैरिजन। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली मैं बना रही हूँ किसी क्वेरी के ऊपर, बिकॉज किसी ने मुझसे पूछा कि मैम ऐसे कोई स्विचवर्ड्स हैं जहाँ पे मैं ये स्विचवर्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ अपने परिवार वालों के लिए, बिकॉज मेरी फैमिली जो है ना मुझे बहुत कंपेयर करती है, और क्योंकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है सो एवरी डे आई एम बीइंग कंपेयर्ड यू नो विद अदर पीपल, अदर फैमिलीज, कि भाई उसके बच्चे के पास भी कितनी अच्छी जॉब है, उसके पास उसकी इतनी अच्छी सैलरी है और तुम घर पे बैठे हुए हो। तो वो जो कंपैरिजन किया जाता है ना किसी भी परिवार में, वो बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है और वो आपकी कहीं ना कहीं आपके स्टेट ऑफ माइंड को ना बहुत ही नेगेटिव कर देता है, लो कर देता है, और कहीं ना कहीं जो आपका आत्मविश्वास है ना वो गिर जाता है। तो ये जो स्विचवर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू कैन यूज़ इट व्हेन यू फील दैट यू नो समबडी इज़ फॉर्मिंग एन ओपिनियन फॉर यू, और उस केस में आपकी जो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो हैम्पर हो रहा है, चाहे वो आपका परिवार वाला हो, आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हो जहाँ पे आपको हर छोटी चीज़ के लिए कंपेयर करा जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन इज दैट यू नीड टू लेट गो दैट थिंग। तो आपको अंदर ये अपने अंदर ये आत्मविश्वास जो है लाना होगा कि भाई इट डजेंट मैटर, मुझे कोई भी कम यू नो कोई भी जज करे, कोई भी मेरे रिगार्डिंग ओपिनियन फॉर्म करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो मैं अपने आप में एक यूनिक हूँ पर्सनैलिटी हूँ, और क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ तो यू नो मैं इस दुनिया को एक वैल्यू दे रहा हूँ मैं, बिकॉज गॉड हैज सेंड मी, सो आई हैव अ डिफरेंट वैल्यू यू नो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कॉस्मोस, इन दिस यूनिवर्स। सो ऑलवेज फील दैट यू आर यूनिक एंड डोंट फील कि भाई किसी ने अगर आपके अगेंस्ट ओपिनियन फॉर्म कर ली है तो योर स्टेट ऑफ माइंड गेट्स हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ इट। बिकॉज मैं आपको सच बता रही हूँ 80% जो फैमिलीज हैं उन फैमिलीज़ में यही होता है, आपको कंपेयर करा जाता है, आपके रिगार्डिंग ओपिनियन फॉर्म करी जाती है, बट उस केस में आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। उस केस में यही इस चीज़ का साधन है कि आप उस चीज़ को, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को लेट गो करें और अपने ऊपर ध्यान दें, और बिकॉज हर किसी की जर्नी जो है वो अलग होती है एंड एवरीबडी हैज़ ए ओन जर्नी। किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, एंड एवरीबडी हैज़ ए ओन टाइम एंड एवरीथिंग इज़ बीन डिसाइडेड बाय दैट यूनिवर्स, बाय गॉड, कि आपको जो सफलता है आपकी डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी ही मिलेगी। तो ये जो स्विचवर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ दिस इज एक्चुअली टू यू नो बेसिकली टू यूज ऑन योर सेल्फ सो दैट यू कैन लेट गो ऑल द ओपिनियंस दैट हैज बीन फॉर्म्ड फॉर यू अगेंस्ट यू। तो उस केस पे आप ये स्विचवर्ड्स यूज कर सकते हैं ताकि आप जो भी जजमेंट्स हैं आपके परिवार वाले आपको टॉन्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, जाने दीजिए, और इतने अपने अंदर एक हौसला लाइए, एक करेज लाइए, एक स्ट्रेंथ लाइए और अपने आप में एक सेल्फ लव लाइए कि आप जो है अपने आप में बहुत यूनिक हैं। तो उस केस में आप ये स्विचवर्ड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं, और जो स्विचवर्ड्स हैं वो है स्क्रीन पे ये, तो इसे यूज़ करिए। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वाइब्रेटिंग लव। ओम नमः शिवाय।